डाइजेशंस uh, में हम लोग लास्ट क्लास mm. इससे पहले जो बात किए थे वो यहाँ तक चीज़ें हुई थी कि पूरे जीआईटी के अंदर में है ना लगभग हम लोगों ने बात कर दिया कि होल ऑफ दिस जीआईटी में कि सलेवरी ग्लैंड जो था है ना स्लेवरी ग्लैंड फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना फिर इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस एंड पेनिक्रेटिक सिक्रेशन एंड लिवर सिक्रेशंस एंड जीबी स्टोरेज मतलब ओवरऑल हमने लगभग लगभग सारी एंजाइम्स और जो सिक्रिशंस है सब्सटेंस का उसके बात कर लिए अब यही सारा चीज़ कहाँ से कौन सा रिलीज होता है उस चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि कहाँ से क्या रिलीज हो रहा है किसके क्या काम है इतना तक हो गया अब वही एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला चीज़ है कि डाइजेशन है ना कि डाइजेस्ट लिपिड के लिपिड के डाइजेशन एब्जॉर्बशन एंड मेटाबोलिज्म है ना पहला चीज़ है कि डाइजेशन प्रोसेस की डाइजेस्ट कैसे हुआ अब डाइजेस्ट हो गया जीआईटी के अंदर में तो वो जीआईटी से लीवर तक यानी एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है यह कह सकते हैं कि जीआईटी से पोर्टल सर्कुलेशन में जो आ रहा है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ से कैसे हो रहा है नेक्स्ट अगर हम लोग बेसिकली हम लोग बात करें तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं देन एब्जॉर्प्शन के बाद लीवर के अंदर में कल हमने बात किया कि वो क्या कराता है उसी चीज़ का क्या कराता है मेटा बॉलिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस बनाता है अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का लिपिड है तो अलग अलग चीज़ बनाता है तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें कि लिपिड की बात करें तो मोस्टली uh, एवेलेबल की बात से कंज्यूमर एज तो ए ट्राइग्लिसराइड यानी हम लोग जो फैट खाते हैं तो मोस्टली क्या होता है वो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली हम लोग देखते हैं अब उसी में हम लोग देखते हैं कि अ पार्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स में ना डाइट ऑल्सो कंटेन डाइट क्या कुछ अमाउंट में कंटेंट्स करती है अलग अलग टाइप ऑफ फैट्स जिसको हम लोग एक चीज बोलते हैं कोलेस्ट्रोल्स है ना या कोलेस्ट्रोल सिस्टर्स है ये सारे क्या है एक सब एक तरह से क्या है लिपिड्स है यही से यही सब क्या है लिपिड्स है जिसको डाइजेस्ट कराना है अब डाइटरी फैट्स बेसिकली अलग अलग क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग देखते हैं तो मेनली दो तरह यानी फैट की जब बात करते हैं हम लोग तो दो तरह का फैट होता है एक सैचुरेटेड फैट क्या होता है सैचुरेटेड फैट होता है और एक क्या होता है अनसेचुरेटेड फैट होता है अन फैट होता है अब सैचुरेटेड अनसेचूरेटेड का क्या मतलब होता है इस चीज़ को समझो सिंपल समझते हैं हालांकि बहुत अगर केमिस्ट्री भी जाके हम पढ़े बायोकेमिस्ट्री में तो बहुत इसका डिटेल है हम इसे फिजियोलॉजी के स्पर्श से काम करेंगे जनरली सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक आपके लगभग अगर हम बात करें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अपने एक क्या कहता है कि वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता हो जैसे आपने डालडा का नाम सुना होगा है ना सपोज कह सकते हो तो घी का नाम सुना होगा एक टेम्परेचर पे वो क्या होता है अपने जो फॉर्मड है लिक्विड से सॉर सेमी सॉलिड एन सेमी सॉलिड से, से लिक्विड फॉर्मेट को चेंज करता है सेम एज अगर हम लोग बात करें कि ऑयल्स ना मस्टर्ड ऑयल्स या फिर जो भी है ना ऑयल्स है तो वो सब क्या है उसमें हम लोग देखते क्या आता है कि वो अनसेचूरेट जनरली हम लोग बात कर करें तो सैचुरेटेड फैट जो भी है वो कहीं ना कहीं हमें क्या करती है हार्म करती है हार्म करना कोई भी चीज़ एक्सेसिव हार्म करेगा बट इसके कॉम्पेयर में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेम एज अगर हम लोग देखते भी है कि हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि जनरली कि हमें फास्ट फूड से बचना चाहिए फास्ट फूड या जंक फूड ना जंक फूड से बचते सबसे पहली चीज़ है कि फास्ट फूड किसको बोलते जंक फूड किसको बोलते कोई फर्क है एक ही चीज़ है अलग है क्या अलग है

ठीक है तुम एग्जाम्पल दे रहे हो फास्ट फूड वैसे फूड को बोलते हैं जो शॉर्ट टाइम पे प्रीपेड हो जाए कोई भी चीज़ हो बहुत जल्दी बन जाए है ना न बहुत जल्दी एक मील के कॉम्पेयर में एक प्रॉपर खाना जो आप बनाते हो उसके कॉम्पेयर में कम टाइम ले जैसे आप बर्गर है जो भी कह रहे हो पिज्ज़ा है है ना मैगी है ये सब क्या था फास्ट फूड जंक फूड बोलते प्रीपेड फूड होता है जिसको स्टोर करा करते जैसे तुम चॉकलेट खा दो डायरे मिल खा दो जैसे जंक फूड्स जो बना हुआ है स्टोर है आपको बनाने में उसकी जरूरत नहीं है लेकिन तुरंत आप उसको अवेलेबिलिटी आपके पास है उसको आप खा सकते हो तो जो फास्ट बन पा उसको फास्ट फूड बोलते जो एज ए स्टोर फॉर्म उसको आपको बना जारी मेल चॉकलेट का जो प्रोडक्ट्स वगैरह का बनाने की जरूरत है उसको वो ऑलरेडी का लेकिन वो एक लंबे 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 समय तक क्या होता है स्टोर होता है तो वो भी क्या बोलते हो दिस इज अ जंक फूड तो यह फास्ट अब फास्ट फूड में हम लोग बेसिकली काम यहाँ पे आ रहे थे कि हम लोग बोलते हैं कि सपोज जैसे अगर तुम देखो कि मार्केट के प्रोडक्ट को लोग बचते हैं जैसे चाउमिन है लोग कहते खाओ मत खाओ हेल्थ पे सर इफेक्ट पड़ेगा क्यों पड़ेगा हेल्थ पे इफेक्ट इस चीज़ को सोचा है कभी क्योंकि दो रीज़न है फर्स्ट वन इज दैट कि यहाँ से इस तरह के फास्ट फूड को खाने से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत बनते हैं फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है फ्री रेडिकल्स अब फ्री रेडिकल्स क्या फ्री रेडिकल एक तरह का ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी में आपके सेल के एजिंग को कम करता है यानी सेल के एज को कम करता है और अल्टीमेटली आपके एज को कम करेगा समझ यानी कि सेल को अनहेल्दी कर देगा आप कोई सेल है कि एक यंग एज स्ट में बहुत लंबे समय तक रह सकता है लेकिन उस सेल को क्या करेगा अनहेल्दी सेल बनाता है ठीक दूसरा चीज क्या होता है कि अब होता है क्या कि फास्ट फूड वगैरह के टाइम पे जो ऑयल यूज किए जाते हैं वो वही ऑयल को कंटिन्यू यूज किया कंटिन्यू यूज करने का मतलब क्या कि आज उसी ऑयल में बनाया जा रहा और अगर ऑयल बच जा रहा है ये उसी टाइम पे तुम अगर देखो तो फिर वही ऑयल को यूज़ किया जाता है तो किसी भी ऑयल को अगर एक लंबे से में जाने लगता है तो हम ऑयल इसीलिए वही चीज क्या घर पे बना के आप बर्गर तुम घर पे बना के खाओ क्या बोलते है? वो आपके लिए उतनी अनहेल्दी नहीं होगा जितना कि आप मार्केट की चीज़ों को खाते क्यों कि वहाँ उसी ऑयल पे उसी चीज़ को या उसी इस पे जैसे अब ऑयल ताबा है तो जो बनाने का जो मटेरियल होता है तो बार बार का उसी हीट पे क्या हो रहा है बार बार वो पक रहा है है ना अब जलेबी बन रहा है एक ही जगह पे बार वही ऑयल के अंदर आज बना दो घंटा बाद में समोसा वही ऑयल को बार बार क्या हो रहा है बार 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 गर्म किया तो बार बार गर्म करने से उसकी जो बॉन्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय होता है और वो कन्वर्टेड इन टू सैचुरेटेड और इसलिए वो हमको क्या करता है हार्म करता है तो इस चीज को याद रखना अब अनसैचुरेटेड में भी आता है मोनो ट्रांससैचुरेटेड पॉली ये अलग अलग टाइप है तो अपने को उस पर नहीं जाना इतनी चीजों को याद रखना अब यहां पर आते क्या डाइजेशन अब डाइजेशन में हम लोग देखेंगे तो बेसिकली थोड़ा सा हम लोग लिपोलाइटिक इंजाइन इन सलाइवा बेसिकली हम कहते हैं ना लाइप सलाइवरी लाइट

डाइसाइल ग्लेट्रोल में वो कन्वर्ट करेगा मतलब हम लोग बताया कि मेनली तो हम लोग प्रोटीन की बात करते थे लेकिन जब सिक्रिशन में पढ़ाया था तो वहां पर मैं बताता कि गैस्ट्रिक लाइपेज भी है जो एक लो क्वान्टिटी में क्या होता है सिक्रिशन देखने को मिलता है तो गैस्ट्रिक लाइपेज या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइब्यूट्रेस दोनों नाम से जानते क्या नाम से गैस्ट्रिक लाइपेज बोले या क्या बोले ट्राइब्यूट्रेस ये भी क्या करता इन इन इज इट इज ऑल्सो लिपोलाइटिक एंजाइम्स क्या है? एक तरह का लिपिड को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स है जो कि कहा प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर में देखने को इट्स ब्रेक द ट्राइग्लिसराइड इनटू टू फैसिडी एंड ग्लिसरॉल ये इसका क्या काम है कि हम जो खा तो क्या बोले हम खाते किस फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड फॉर्म अब इस ट्राइग्लिसराइड को तोड़ करके क्या बनाता ये

हॉर्मोन एंजाइम्स एक कहां आएगा पेनक्रिटिक लाइपेज आ जाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ द एबेबिलिटी ऑफ द बाइल साल्ट साल्ट बाइल यहाँ पर क्या है अवेलेबल है दूसरा क्या चीज है पेनक्रिटिक लिपोलाइटिक्स एंजाइम्स यहाँ पर एंजाइम्स एंड द इंटेस्टाइनल लाइपेज बिकॉज सम इंटेस्टाइनल सिक्रेशन पूरे इंटेस्टाइन के सिक्रेशन को कंबाइनली हम लोग एक वर्ड बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस कभी कोई पूछे सक्कस मा... सक्कस इन टेरिकस क्या है सक्कस इंटेरिकस तो सक्कस इंटेरिकस इज व्हाट इट इज अ इंटेस्टाइनल सिक्रेशन जो इंटेस्टाइन से अलग इंजाइम और सब मिला के हम क्या बोलते हैं उसको सक्कस इंटेरिकस है ना तो इंटेस्टाइनल लाइफ ये सारे मिलकर के क्या करेगा इंटेस्टाइन के पार्ट्स पे आकर के फैट को अच्छा डाइजेस्ट कराने का काम करे अब लाइपेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम फूड यानी कि सबसे ज्यादा डाइजेशन ऑफ द फैट अदर ऑल्सो लिपोलाइटिक एंजाइम ऑफ पेनक्रेटिक जूस इसके अलावा पेनक्रेटिक जूस में और भी लिपोलाइटिक्स है बट फर्स्ट वन मेजर थिंग इज द पेनक्रेटिक लाइपेज जो है ये सबसे इफेक्टिव है अदर्स में अगर अगर हम लोग बात करें तो इसे देखने तो इस्टर, इस्टर में देखने को कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रोल्टर हाइड्रोलेज एक एंजाइम है जो कि पेनक्रेटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका भी क्या काम है फैट को डाइजेस्ट करने का फॉसफोल ए फॉस्फोल बी है ना जो भी ए भी दर है तो ये सब भी है एक एंजाइम जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा फैट को करेगा बट आउट ऑफ दिस ऑल सबसे इफेक्टिव जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन है पेनक्रेटिक लाइपेज डाइजेस्ट करेगा

तो जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन जो भी चीज है जो भी चीज है उन पूरे सिक्रेशन को हम लोग सक्कस कहते हैं और पूरे सक्कस इंटेरिकस के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक इंटेस्टाइन में एक ही इंटेस्टाइन रिलीज करते हैं, वो इंटेस्टाइनल लाइपेस होता है ठीक है एंड फाइनल प्रोडक्ट इज वॉट जब डाइजेस्ट होता तो फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल और मोनो एंड ट्राइग्राइड

जैसे कि मीट मछली अंडा ये सब भी खाते तो तुम का मीट जो मसल्स था वो से तो सेलम सेल के पास क्या होगा हो तो बहुत सारे सेल ना पर मिले तो ऐसे डाइट्स में कंटेन का तो वो उसको भी तो डाइजेस्ट करना तो फॉस्फोलाइ मिले ना लाइसोलाइट है ना ये सबको इन प्रोडक्ट सबका ऐसे लिखा हुआ का काम क्या

करेगा इंटरस्टाइन और यहाँ पे भी इसका कह रहा है बहुत तो नहीं। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि बात यहाँ पे वो चार्टॉर्म में टेबल फॉर्म में दे रखा गया वही बात जो लिखी हुई है और दूसरी चीज यह है कि जो डाइजेशन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कहां पर होना है पेनिक्रियाटिक एक्शन की वजह से होना अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ये चीज है ये डायट्री इस पिक्चर ने बहुत अच्छे से लिख रखा है ये क्या है डाइट्री ट्रीगिन के अंदर में ये चल रहा है ठीक है यानी कि ये ट्राइग्लिस यानी फैट है ये क्या है यानी कि ये क्या है ट्राइग्लिस यानी कि फैट आपने जो खाया ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आपने खाया

और दूसरी तरफ देखते बिलियरी एसिड की के देखो बहुत फर्क हो जाएगा यहां तुम देखो लग ही नहीं रहा कि कोई अंदर जा रहा है बट यहां देखो क्या जा रहा है कि एसिड के में होने वजह से क्या हो रहा है कि ये आसानी यानी कि हमने ऑलरेडी कल बिलियरी एसिड के बाइल के फंक्शन में पढ़ा था इट इज ऑल्सो हेल्प इन ऑफ और ज्यादा से ज्यादा यहां पे अभी या तुम अगर देखो

आने जाने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे या कैसे क्या, क्या होगा क्या 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 होगा तो एक हम लोग इनिशियल पहला क्लासिफिकेशन लगाते हैं क्या एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस पैसिव में क्या जिसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा अब तुम यहां बताओ जो फैटी एसिड है या मोनोसैकेराइड्स है वो सेल मेंब्रेन में पैसिवली जाएगा या एक्टिव जाएगा सोचो पैसिव जाएगा पैसिव में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है

तो आसानी से डिजोल्व होकर चला जाएगा डिफ्यूज होकर के चला जाएगा हमको ये नहीं बोला तो वो पैसे वगैरह आ रहा नहीं जो सब्सटेंस है जिसको एब्जॉर्ब होना है वो है क्या फैट्स इतना तो वो क्या है फैटना और जो सेल मेब्रेन है यहाँ पर वो सेल मेम्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ यानी कि लिपिड्स को तो आसानी से वो जाने देगा ना फैट्स को तो वो क्या कर देगा उसी के नेचर का है तो उसके लिए वो आसानी से सिंपल डिफ्यूजन होगा इसमें

सेल ऑफ द इंटर चैनल डिफ्यूजन क्योंगा सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ भी गया होगा क्योंकि फैट खुद ये फैट है और जिस मेमरेन को क्रॉस करेगा वो मेम्रेन भी किसका बना हुआ है फैट्स का बना हुआ तो अपने सेम नेचर वाले चीजों में जाने के लिए उसको कोई भी एक्टिव यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इधर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा इधर से आसानी से जाएगा तो हाई कंसेंट्रेशन टू लोग फर्दर ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग बात कर दे अब फर्दर ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ क्यों नहीं होता क्या हुआ विदाउट मिजल्स, मिजल्स फॉर्म में जाने से अब तुम्हें, जो लेयर है लेयर है अगर कोई एक मिजल्स के फॉर्म में जाए तो जाब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है रेट है वो क्या होगा फास्ट होगा विदाउट मिजल भी जाता है ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है बट मिजल फॉर्म में जो रेट ऑफ है वो अच्छा एबजॉर्प्शन अच्छा 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 होगा कि ग्रुप में होकर के इकट्ठे जा रहे हैं बेसिकली और इंडिविजलिटी होगा तो क्योंकि आप इंटेस्टाइनल मूवमेंट थोड़ी ना रुका हुआ है इंटेस्टाइन का मूवमेंट रुका हुआ तो नहीं है तो वो क्या होता रहेगा जो फूड मटेरियल वो एक टाइम पे आगे बढ़ता और चला जाएगा और जहां डाइजेशन के बाद अब्सअप्स होना और टाइम पे नहीं हो पाया तो उच्च क्या हो जाएगा तो मेजल फॉर्म इसलिए हेल्प करता ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब्स करवाने में अब ये बात याद है कि हमने ये जाना कि सेल के अंदर में आ गया क्या आ गया जो मेजल्स है ये कहा आ गया

तो अब इसके ऊपर इस तरह से क्या बन गया एक तरह का अटैचमेंट हो गया इपिथेलियल सेल, तो सेल, सेल क्या हो रहा है कि म्यूकोजा सेल्स के पास जब यहां पर जैसे हुआ तो अब ये बेसिकली जब एब हुआ तो म्यूकोजा सेल के अंदर गया तो वो मोनो जो होगा वो कन्वर्ट होकर किसमें बन जाएगा

है ना? क्या होता है बेसिकली क्या कहते हैं कि जो आया जब cell के अंदर में तो इसको एक ऊपर से किया जाता है ना? ये अभी फ्री फॉर अब इसके ऊपर से कर दिया गया इस कोटेड में क्या किया गया तो एक प्रोटीन का कोटेड किया गया और प्रोटीन का कोटेड मतलब समझो एक तरह से पैकिंग किया गया क्या किया गया पैकिंग पैकिंग किया गया और पैकिंग का काम करना किसका है बॉडी बॉडी के इज द पोस्ट आ रहा है सेल में आया और आने के बाद गोल्जी बॉडी के अंदर में आया तब वो क्या किया एक अपने को उसको प्रोटीनस पैक कर दिया कोलेस्ट्रोल एंड फॉस्फोलिपिड टू फॉर्म अ पार्टिकल स्कोल्डा इसको हम लोग जो जो फ्यूज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं काइलो मिक्रॉन्स मिक्रॉन्स है ना चाइलो या काइमो दो, दोनों प्रोडक्शन कर सकते हो सीएचवाई एच वाई दोनों प्रोडक्शन देखने को मिलता है तो चाइलो मैक्रॉन्स के फॉर्म में ये क्या हुआ कि यानी कि चाइलो मैक्रॉन्स क्या हुआ ये ट्राइग्लिसराइड जो एब्जॉर्बेड ट्राइग्लिसराइड है मेगोसा के अंदर में वो जब किसी प्रोटीनस स्ट्रक्चर से क्या हो गया कवर्ड हो गया ठीक है अब चाइलोमाइक्रोन्स के अंदर में जो हम बात करते हैं देखो कर है? कर? करेगा और ब्लड के सर्कुलेशन में, ला देगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा अब यहां पर हम लोग देते वही फॉर्मेट इधर भी लिखा हो फैटीड इंटर एंड लिंक टू ट्राइग्लिसराइड ये फैटी एसिड गुस्सा ट्राइगुलस कंबाइंड विद द प्रोटीन इनसाइड द गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी के साथ वो अंदर भी

भी एक चैनल को मिलता है तो यदि कोई कार्बन से पोर्टल ब्लडर करता है, वो कहा जाता है? कि फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होने लगता है और ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी में जाए कब? तो जब वो फैटी एसिड जिसका क्या है जो कार्बन एटम है वो कितना टेन से कितना अच्छा से 12 से से कार्बन कम होगा तब वो वो सर्कुलेट करेगा अदरवाइज क्या कर के अंदर कहीं भी जाएगा ब्लड में जाएगा तो ट्रांसपोर्ट जाना ही उसको अंदर में ठीक है अब इसके बाद हम लोग इस पूरे प्रोसेस के बाद यहां पर यही चीज देखते कि मेटाबोलिज्म

तो अब एक एक करके यार इधर किडनी या, है कुछ किटोन बॉडीज निकलना जब एक्सेसिव फैट डिस्ट्रक्शन होता है तो होना है क्या ट्राइग्लिसम स्टार्ट हम लोग करते तो ट्राइग्लिस है लीवर के पास अब कहाँ से आया तो हमने पता है थ्रू द एपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है हैब्शन होके जैसे ट्राइग्लिसाइड कहाँ पहुंचा आपके लिवर में तो इसको तोड़ेगा फैटी एसिड्स में और किस में ग्लिस्ट्रोल में अब फैटी एसिड एसिटाइल को

क्या बना एक तरह का समझो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बने के अंदर जाकर के. फैट से हम लोग पढ़ते ना जनरली की एनर्जी तो कहां से मिलता है कार्बोहाइड्रेट से लेकिन ऐसा हो बॉडीज के अंदर में जब हमें वो फैट जो है क्या कहते हैं कि फैट जो हम लोग बॉडी में वो ब्रेक होगा वो टूटना ट्राइंगस टूटने लगेगा और हमको मिलेगा एनर्जी तो अगर अभी डिप्रेशन होगा ब्लड में ब्लड के अंदर में अगर ग्लूकोज की कमी होगी तो वैसी कंडीशंस में हम लोग ये देखते हैं क्या देखते हैं कि ग्लिस्ट्रोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ग्लूकोज में लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे कार्ब ले रहे तो वैसे कंडीशन में अगर आपका फैट एक्सेसिव हो रहा है तो ग्लेट्रोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें में ग्लाइकोजन में और आपकी बॉडी में क्या रहेगा स्टोर रहेगा अब बॉडी में यह चीज बताया जा रहा है अगर एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाता है तो वो भी कन्वर्जन जाता है किसके अंदर में ग्लिस्ट्रोल के अंदर में और वो फिर ग्लिस्ट्रोल से कन्वर्ट होकर फिर ये ग्लाइकोजन बना करके स्टोर करेगा तो ये एक अलग प्रोसेस चल रहा होता है ठीक है

ये जितना बढ़ेगा वो पीएच को कर बढ़ाएगा। ये जितना बॉडी में बढ़ता जाएगा किडनी से, है, से, जाएगा से जाएगा लेकिन अगर, इसका अगर फैट बहुत ज्यादा टूट रहा है लेकिन तो कीटोन बॉडी क्या होगा बहुत ज्यादा टूटेगा कीटोन बॉडी बहुत ज्यादा बनेगा बन रहा है पहला याद रखो फैट के मेटाबोलिज्म से कहां से बन रहा है फैट के मेटाबोलिज्म क्या था फैट था

लेकिन तुम दो दिन से भूखे हो तुम्हारा हाथ पाओ पूरा बांध दिया गया है कोई खिलाने वाला नहीं है, है कोई खिलाने वाला नहीं है तो तुम्हारा क्या कंडीशन होगा खूब अच्छा मिठाई रखा हुआ है ना वेज, वेज सारा सब कुछ रखा हुआ दोनों हाथ पैर ऐसे बांध दिया गया तुमको और तुमको मजबूरी में कोई आकर के एक सूखी रोटी खिलाए तुम क्या करोगे दो दिन के भूखे हो मना, मना तो करोगे नहीं तो सूखी एनर्जी तो कहीं ना कहीं से तुम ढूंढोगे ना तो डायबिटीज का यही कंडीशन है डायबिटीज का कंडीशन है कि बॉडी में तो ग्लूकोज खूब है लेकिन सेल बेचारे को मिल ही नहीं रहा अब सेल बेचारे को नहीं मिल रहा तो सेल तंग दंगा हो गई तो बॉडी में स्टार्ट कर देता किसको फैट मेटाबोलिज्म कर दे और जिसके रिजल्ट में सोचता है कि चलो भाई फैटों को तोड़ करके हम क्या करें ग्लूकोज ये तो इस चक्कर में कहीं से ना कहीं से ग्लूकोज मिले अब जब इस रिजल्ट में ग्लूकोज और बढ़ेगा और किडोन बॉडीज बनता हुआ चला जाएगा कीटोन बॉडीज बहुत तेजी से बनता हुआ कीटोन बॉडीज एक तरफ से बेनिफिट इट इज अ इट इज अ अट्स ऑफ अ एनर्जी फॉर अ ब्रेन ब्रेन को ही एनर्जी देता है लेकिन ब्रेन को एनर्जी के साथ साथ बाकी बॉडी के पार्ट को बैंड बजा देता है ना तो इसलिए ऐसी कंडीशन में डायबिटिक जब डायबिटीज 300 400 500 700 800 सौ डायबिटीज जब जाने लगेगा तो वैसे केसेस में तुम इतना समझ लो कि बॉडी को डिमांड सेल का एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अब ये फैट मेटाबॉलिज्म करेगा बॉडीज बनाएगा और वैसे ही कंडीशन में, करता है। तो के ऐसा में हो जाता, वही कंडीशन को हैं और ऐसे कंडीशन में माउथ से एक फ्लोरी स्मेल भी आता है डायबिटिक को जब तुम्हारे पास आएगा तो बहुत त्रष्ट होगा प्यास से मत परेशान परेशान होगा बहुत सारा चीजें देखने को मिलेगा है ना तो ये एक तरह से पूरा क्या है जो फैट है उसका क्या है ये मैकेनिज्म से बॉडीज के अंदर में चल रहा होता है मेटाबोलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो है ना अब इसके अलावा ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या चीज फैट का मेटाबोलिज्म जिसमें डाइजेशन की बात कर रही है एब्जॉर्प्शन की बात कर रही है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या हो गया हाँ मेटाबोलिज्म की बात कर ली ठीक है नेक्स्ट क्लास प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में